जा रहे हैं अंबाजरी, अंबाजरी लेक, अंबाजरी गार्डन, दोनों कवर करेंगे आज। सीजन थोड़ा ड्राई है तो पानी थोड़ा कम होगा ऑब्वियसली, बट स्टिल इट विल बी वेरी वेरी फन एंड लेट्स गो। नागपुर महानगर पालिका, स्वामी विवेकानंद स्मारक। पूरा पानी इधर से पूरा पानी उधर की तरफ ओवरफ्लो होता है और रोड के नीचे से जाता है, वो वहाँ पर से पूरा ऐसे ओवरफ्लो होते हुए जाता है उधर। और ये स्टैचू का साइड व्यू देख सकते हैं आप, धोखे की सूचना, यहाँ से पानी ओवरफ्लो होता है इसके कारण से यहाँ पे कॉशन नोटिस है, डेंजर वार्निंग। तो ये जो बैरिकेड है यहाँ से वाटर ओवरफ्लो होता है जब रेनी सीजन में, जब बहुत सारी बारिश होती है तब। अभी भी रेनी सीजन चल रहा है पर अभी पानी बस आप देख सकते हैं इधर तक कि ये वाटर लेवल इज़ वेरी वेरी लो। व्हेन देयर इज हैवी रेनफॉल द वाटर लेवल इज अप टू हियर, यू कैन सी दोज स्टोन्स, द वाटर लेवल इज अप टू देयर। एज यू कैन सी द वाटर लेवल is very very far from where it is it used to be when it rains heavily for 2-3 weeks, the water comes up to here, almost up to these stones. Also there is a lot of garbage here, garbage is like really common at all the water bodies in Nagpur city. Here are some surveying instruments, to ye jo instrument hai, do instrument lage yahan pe, ye wala satellite se रिलेटेड है एंड ये वाला रेडियो फ्रिक्वेंसी से। ये दोनों इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से यहाँ पे मेज़र किया जा रहा है कि यहाँ पे हाइट्स मेज़र की जा रही है, जैसे कि वाटर लेवल से हम जा खड़े हैं इसकी हाइट कितनी है और इस वाटर लेवल से ग्राउंड की हाइट कितनी है, यहाँ से ग्राउंड की हाइट कितनी है, जो ओवरफ्लो उसकी हाइट कितनी है वाटर लेवल से, जो पाथ है इसके कंपेरिजन में, ये पाथ की हाइट रोड के कंपैरिजन में और नीचे पार्किंग के कंपैरिजन में कितनी है, ये मेज़र किया जा रहा है यहाँ पे। तो जो यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव थे मेट्रो के, हमने उनसे बात की और उन्होंने हमें बताया कि जब यहाँ पे जो पुल है मेट्रो का, वहाँ से जब मेट्रो जाएगी तो बहुत सारा वाइब्रेशन होगा क्योंकि वो बहुत स्पीड से जाएगी, तो उस वाइब्रेशन के कारण से पानी जो है वो ओवरफ्लो से ऊपर नहीं जाना चाहिए, इसके कारण से ये सब लेवल्स यहाँ पे मेज़र हो रहे हैं। तो इनका प्लान है कि इस प्लेस को और सुंदर बनाया जाएगा एंड जो ओवरफ्लो था ओवरफ्लो की हाइट और बढ़ाने वाली है। सम 1-2 ईयर अर्लियर इस बिसाइड अंबाजरी लेक डेजी कैसल वाटर पार्क, बट नाउ इट हैज क्लोज डाउन बिकॉज अपेरेंटली समवन डाइड देयर ऑब्वियसली बाय मिस्टेक। आई हर्ड इट वाज अ नाइस वाटर पार्क। Just like Putala Lake, Ambazari Lake also has insane amount of garbage, accumulation of garbage along the shores of water bodies is a very common issue in the Nagpur city. मेट्रो कंस्ट्रक्शन इज गोइंग ऑन जस्ट बिसाइड ऑफ अंबाजरी लेक। दिस ब्रिज वॉज कंस्ट्रक्टेड सो नियर टू द अंबाजरी लेक
so that the passengers would have a very beautiful view of the lake. And some children here are enjoying in the water and taking bath the old school way. It's fun to do crazy stuff with friends. Also, I found something really, really exciting to do at Ambazari Lake, and I know you guys would love to see this. ऐसा लग रहा है कि राइट नाउ आई एम लिविंग द लाइफ. एंड जीने का असली मजा ना ऐसे सीन्स में, ऐसे ट्रैवल करने में, मजा उठाने में, पूरा जीने में. दिस व्यू इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल. इफ यू एवर कम टू Ambazari Lake, डू प्लीज कम ओवर द स्मॉल ब्रिज एंड सी फॉर योर सेल्फ हाउ ब्यूटीफुल इट फील्स होल लेक फ्रॉम हियर. So guys, the scene from here is very very awesome, but and it is also a very popular selfie spot, but taking selfies from here also can get very risky, so it is advised that you take selfies here with extreme precaution. This is the bridge from which you can access this selfie spot. Do come here and enjoy the view. Thank you so much guys for watching. I will be back with part 2 of this vlog. Till then, take care. Bye bye.